देखो क्वेश्चन है कि आपके पास सपोज ये एक वॉल है, दीवार है, सपोज यहाँ पे एक बॉल आ रही है, बॉल इसे हिट करती है विथ सम वेलोसिटी और बॉल इसको हिट करके वापस जाती है विथ सेम वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी कितनी है, तो मान लो 10 मीटर पर सेकंड से ये बॉल आती है और 10 मीटर पर सेकंड से ही ये बॉल वापस जाती है, और गिवन इसमें लिख लो मास ऑफ द बॉल इज 1 kg, लेट अस सपोज, गिवन नहीं है, गिवन कर लो 1 kg, ठीक है। तो इसमें मास कितने है, 1 kg गिवन होगा, ये वेलोसिटी भी गिवन होगी, मास भी गिवन होगा, और साथ में ये भी गिवन होगा क्या कि ये जो एंगल है 60 डिग्री है और ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री है, गिवन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये बॉल आई और चली गई, तो बॉल जो इसको हिट करती है तो टाइम t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड लेती है हिट करने में और चली जाती है। आपको नेट फोर्स बतानी है कि बॉल ने दीवार पे कितनी फोर्स लगाई। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर ये बॉल सीधी आती है mv और सीधी जाती है mv तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2 mv, 2 mv को 0.1 से डिवाइड करते फोर्स आ जाती, खत्म। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज फोर्स। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मोमेंटम वेक्टर टेढ़ा है, xy प्लेन में है, और जो भी टेंशन xy प्लेन में है, वेलोसिटी xy प्लेन में है, मोमेंटम xy प्लेन में है, 2D की प्रॉब्लम है। और 2D को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्पोनेंट्स एक्स एक्सिस में अलग, वाई में अलग, और कोई तरीका ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये इसका इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं पहले। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये 1 kg है, 1 × 10 क्या हो जाएगा, 10। तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, 10। डायरेक्शन कहाँ है, जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ये रही, ये इनिशियल मोमेंटम, इसको यहाँ बंद मत करो, यहाँ तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। तो ये क्या, इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन। ये ना सोचो दीवार आगे डायरेक्शन कैसे जाएगी, अब जैसे ये सामने नॉर्थ है, मैं कहता हूँ उधर जाओगे, वो पहाड़ियाँ दिख रही हैं नॉर्थ की तरफ हैं, तो दीवार आ गई तो पहाड़ी बंद हो गई, नॉर्थ बंद हो गया यहाँ से, तो मतलब ये थोड़ी ना कि वेक्टर यहीं तक चलेगा जी, आगे चलेगा नहीं, तो दीवार के पीछे नहीं चलेगा, आप डायरेक्शन बता रहे हो। तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम है जिसकी वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10। ये रहा 10, क्लियर है यहाँ तक। और फाइनल मोमेंटम भी कितना है, 10, फाइनल मोमेंटम भी 10, कोई डाउट इसमें। अब एक काम करते हैं, ये इनिशियल मोमेंटम है, इसके कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, अगर ये 60 तो ये भी कितना, 60। 60 का मतलब इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला कॉम्पोनेंट इस तरफ कितना बोलो, 10 cos कितना, 60, और एक कॉम्पोनेंट नीचे है बोलो कितना, 10 sin 60, 10 cos 60, 10 sin 60, क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से फाइनल मोमेंटम है 10, फाइनल मोमेंटम 10 जो है इसके भी दो कॉम्पोनेंट है बोलो कितना, 10 cos 60 और नीचे इस तरफ 10 sin 60। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, तो पहले आपने इनिशियल मोमेंटम बनाया, दो कॉम्पोनेंट्स लिए, फाइनल मोमेंटम बनाया, दो कॉम्पोनेंट्स लिए। तो जब आपने कॉम्पोनेंट्स ले लिए तो फिर मेरे को इस वैक्टर के साथ काम करना ही नहीं है, मैं हटा रहा हूँ इसे, मुझे यूज़ ही नहीं करना, ये लो ये गया, ठीक है। मुझे ये भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए ऑलरेडी, ये मुझे नहीं चाहिए, राइट। मुझे ये भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ कर चुका हूँ, ये लो। तो आपको 4 वेक्टर दिख रहे हैं, ये दिख रहा है इनिशियल और फाइनल, कोई डाउट इसमें। अब मेरे को इसमें क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। अब फोर्स की क्या प्रॉब्लम है, फोर्स एक्स में अलग निकलेगी, फोर्स जो है वो एक्स में अलग निकलेगी। फोर्स क्या निकलेगी एक्स में, dp बाय dt अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की अलग मोमेंटम है, वाई की अलग मोमेंटम है, तो दो फोर्सेस निकलेगी, एक्स में अलग निकलेगी वाई में, 2D का क्वेश्चन है ना, एक्स में अलग वाई में अलग, और ऐसी वाई एक्सिस में फोर्स क्या निकलेगी, dp बाय dt अलोंग वाई एक्सिस। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो dp बाय dt एक्स एक्सिस, dp बाय dt वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। आगे तो इसके अंदर नेक्स्ट क्या करना है आपको, dp, अब एक्स एक्सिस की बात करते हैं, नहीं पहले वाई की बात करते हैं, वाई आसान है, वाई की बात करते हैं। वाई एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम कितना है, 10 sin 60, वाई में फाइनल मोमेंटम कितना है, 10 sin 60, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, 10 sin 60 माइनस
10 साइन 60 अपॉन टाइम 0.1, तो फोर्स क्या आएगी, तो वाई एक्सिस में कोई फोर्स नहीं आएगी, तो एक आंसर आ गया, क्लियर है, क्योंकि वाई में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो माइनस साइन का चक्कर भी नहीं है आंसर। अब अगर एक्स की फोर्स निकालनी है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम ये रहा, फाइनल मोमेंटम ये रहा, तो क्या सिखाया था कि 10 इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस माइनस 10 इंटू कॉस ऑफ 60 सिखाया था ना ये वाला रूल, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जैसे सिखाया था एम वी माइनस माइनस एम वी टू एम वी, उसी तरीके से यहां पर फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के आगे साइन नेगेटिव लगेगा बिकॉज एक राइट है एक लेफ्ट है, तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 60 बाई 0.1 आंसर, सॉल्व कर लेना आंसर। तो x की फोर्स जीरो नहीं आएगी क्योंकि x का क्या प्रॉब्लम है, एक मोमेंटम इधर है एक इधर है, तो वही एम वी और माइनस एम वी करके 2 mv बनेगा, तो ट्वाइस बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि आपने x में अलग कैसे करना है y में अलग कैसे करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी बार आती रहेंगी कि इस तरीके से अगर अगर ये क्वेश्चन आएगा असाइनमेंट में गिवन है, ये सेम क्वेश्चन है, वाई में फोर जीरो है, एक्स मैंने सॉल्व करके बता दी आंसर, क्लियर है।